नमस्कार दर्शकों, कहते हैं कि हिंदू धर्म में वैदिक परंपरा के अनुसार अनेक रीति रिवाज, व्रत त्यौहार व परंपराएं मौजूद हैं। हिंदुओं में जातक के गर्भधारण से लेकर मृत्युपरांत तक अनेक परंपरा संस्कार किए जाते हैं। इनमें अंत्येष्टि को अंतिम संस्कार माना जाता है, लेकिन अंत्येष्टि के पश्चात भी कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिन्हें मृतक के संबंधी विशेषकर संतान को करना होता है। श्राद्ध कर्म उन्हीं में से एक है। वैसे तो प्रत्येक मास की अमावस्या तिथि को श्राद्ध कर्म किया जा सकता है, लेकिन भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक पूरा पखवाड़ा श्राद्ध कर्म करने का विधान है। इसलिए अपने पूर्वजों को प्रति श्रद्धा प्रकट करने के इस पर्व को श्राद्ध पर्व कहते हैं। वहीं इस साल यानी 2020 में पितृपक्ष 2020 सितंबर 1 से सितंबर 17 तक रहेगा। इसके तहत श्राद्धों की शुरुआत पूर्णिमा श्राद्ध 2 सितंबर 2020 से होकर सर्वपितृ अमावस्या 17 सितंबर 2020 तक श्राद्ध कर्म किए जाएंगे। जी हाँ दर्शकों, हम आपको बता दें कि एक ऐसा मंदिर जो पितृपक्ष में पितृलोक का दरवाज़ा खोल देता है, तो ये मंदिर है गया जी, जहाँ श्राद्ध से मृतक की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। कहते हैं कि इस दौरान अपने पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को मोक्ष मिलता है और इसके साथ ही वह अपना आशीर्वाद भी अपने परिवार को प्रदान करता है। दर्शकों, ऐसे में शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि अगर कोई गया जी में एक बार अपने पितरों का श्राद्ध कराए तो मृतक की आत्मा को सदा के लिए मोक्ष मिल जाता है और एक बार फिर बार बार श्राद्ध भी नहीं करना पड़ता। ऐसे में आज हम आपको बिहार के गया में स्थित एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। दरअसल बिहार के गया में भगवान विष्णु के पदचिन्हों पर एक मंदिर बना है जिसे विष्णुपद मंदिर कहा जाता है, जहां पितृपक्ष के अवसर पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ जुटती है और इसे धर्मशिला के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि जो लोग यहाँ अपने पितरों का तर्पण करने आते हैं वे इस विष्णुपद मंदिर में भगवान के चरणों के दर्शन करने की भी अवश्य आते हैं। मान्यता तो ये भी है कि भगवान के चरणों के दर्शन करने से इंसान के सारे दुखों का नाश होता है और उनके पूर्वज पुण्यलोक को प्राप्त करते हैं। मंदिर में भगवान के चरणों का श्रृंगार रक्त चंदन से किया जाता है और ये काफ़ी पुरानी परंपरा बताई जाती है। विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु का चरण चिन्ह ऋषि मारीची की पत्नी माता धर्मबत्ता की शिला पर है। राक्षस गयासुर को स्थिर करने के लिए धर्मपुरी से माता धर्मबत्ता शिला को लाया गया था, जिसे गयासुर पर रख भगवान विष्णु ने अपने पैरों से दबाया। इसके बाद शिला पर भगवान के चरण चिन्ह है। माना जाता है कि विश्व में विष्णुपद ही एक ऐसा स्थान है जहां भगवान विष्णु के चरण का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि ये मंदिर बना कैसे। जी हां दर्शकों, विष्णुपद मंदिर सोने को कसने वाला पत्थर कसौटी से बना है जिसे जिले के अतरी प्रखंड के पत्थर कट्टी से लाया गया था। इस मंदिर की ऊंचाई करीब 100 फीट है। सभा मंडप में 44 पिलर हैं। 54 बेदियों में से 19 बेदी विष्णुपद में ही हैं, जहाँ पर पितरों के मुक्ति के लिए पिंडदान होता है। यहाँ पूरे साल भर पिंडदान होता है। मंदिर के शीर्ष पर 50 किलो सोने का कलश है और 50 किलो सोने की ध्वजा लगी है। विष्णुपद गर्भगृह में 50 किलो चांदी का छत्र और 50 किलो चांदी का अष्टपहल है, जिसके अंदर भगवान विष्णु की चरण पादुका विराजमान है। यहाँ भगवान विष्णु के चरण चिन्ह के स्पर्श से ही मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। विष्णुपद मंदिर के ठीक सामने फल्गी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है सीताकुंड। यहाँ स्वयं माता सीता ने महाराज दशरथ का पिंडदान किया था। बताया जाता है कि पौराणिक काल में ये स्थल आरण्य वन जंगल के नाम से प्रसिद्ध था। भगवान श्री राम माता सीता के साथ महाराज दशरथ का पिंडदान करने आए थे, जहां माता सीता ने महाराज दशरथ को बालू फल्गु जल से पिंड अर्पित किया था, जिसके बाद यहां बालू से बने पिंड देने का महत्व बन गया है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि गया तीर्थ में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किए जाने का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। पुराणों के अनुसार गयासुर नाम के एक असुर ने घोर तपस्या करके भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। भगवान से मिले आशीर्वाद का दुरुपयोग करने गयासुर ने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। गयासुर के अत्याचार से दुखी देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और उनसे प्रार्थना की वह गयासुर से देवताओं की रक्षा करें। इस पर विष्णु ने अपनी गदा से गयासुर का वध कर दिया। बाद में भगवान विष्णु ने गयासुर के सिर पर एक पत्थर रखकर उसे मोक्ष प्रदान किया।
तो दर्शकों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल से रजत की रिपोर्ट।